4 में हम देख चुके हैं। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। गोमिरन उसे देखने लगती है और उन दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं, उसे अपनी तरफ देखते देख डोंगचन कहता है, ऐसे क्यों घूर रही हो, कोई मेरे पीछे है क्या, चलो मेरे साथ, कितनी गर्मी है यहाँ। फिर वो उसे आइसक्रीम लाकर देता है, पर गोमिरन को वेनिला आइसक्रीम पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे लेकर खुद खा लेता है। गोमिरन कहती है, मुझे अपनी वाली दे दो। डोंगचन कहता है, वो मेरी झूठी है। तो वो कहती है, तुमने भी तो मेरी झूठी खा ली। डोंगचन उसे आइसक्रीम दे देता है तो वो स्माइल करती हुई खा लेती है। फिर वो उसे पूछती है, क्या तुम और नाहंग अब भी डेट कर रहे हो। डोंगचन मना कर देता है तो वो स्माइल करने लगती है। डोंगचन कहता है, स्माइल मत करो, हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, अगर पहला करीब आएगा तो दूसरे को पीछे हटना होगा, हमारे बीच आधे मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए वरना डेंजरस होगा, और चला जाता है। गोमिरन कहती है, हैं? पर आधा मीटर ही क्यों? नेक्स्ट सीन में वो कहती है, वो कितना अनप्रिडिक्टेबल है, मेरे दिल से खेलता रहता है, पहले कहा मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा और फिर कहा हमारे बीच आधा मीटर का डिस्टेंस रहेगा, मैं भी इतनी जल्दी नहीं पटने वाली। तभी नाहंग आकर उसे कहती है, तुम्हें अपने बारे में किसी को भी पता मत लगने देना, क्योंकि मैं डोंगचन को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। मीटिंग में गोमिरन की राइटर से अच्छी नहीं बन रही थी, इसलिए डोंगचन गोमिरन को राइटर पर अपना इम्प्रेशन बनाने को कहता है। तो वो कहती है, चिंता मत करो, मैं लोगों का दिल जीतने में माहिर हूँ। डोंगचन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो BTS की फैन है, तो तुम इस बारे में भी अच्छे से देख लेना। गोमिरन कहती है, BTS ये क्या है, और फिर BTS के सातों मेंबर का नाम अच्छे से याद कर लेती है। वैसे क्या आप लोगों को भी BTS के रियल नेम पता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट मीटिंग में गोमिरन कहती है, हमें शो के लिए BTS के सारे मेंबर्स को भी बुलाना चाहिए। राइटर कहती है, तुम मजाक के मूड में हो। गोमिरन कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे भी BTS बहुत पसंद है। तभी डोंगचन उसके हाथ पर हाथ रख उसे रोक देता है, तो वो नर्वस होकर स्टैचू बन गई थी। सब चले जाते हैं और वो दोनों ही रह गए थे। डोंगचन गोमिरन को देख स्माइल करता है और फिर इग्नोर करने की कोशिश करता है। गोमिरन उसे देखती है तो वो कहता है, चलो घर जाओ, अब मेरी नींदे उड़ाओगी क्या। नाहंग और डोंगचन उसी कॉल वाली लेडी का वेट कर रहे थे जो कार ब्लास्ट के बारे में बताने वाली थी। नाहंग उससे पूछती है, तुम उस दिन होटल में मेरे रूम में क्यों नहीं आए थे। डोंगचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। गोमिरन को घर आता देख ब्योंगशिम भाग जाता है। डोंगचन के बारे में सोच सोच गोमिरन की हार्ट बीट बढ़ रही थी। इधर वही लेडी जा रही थी तभी उसे कुछ लोग पकड़कर ले जाने लगते हैं। वो कॉल कर उन दोनों को बता देती है, मेरे हस्बैंड को बचा लो, वो कैप्सूल में है। उस लेडी को पकड़ कर ली हुंग के पास लाते हैं और यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है कि ली हुंग ली सुक बनकर कंपनी का ऑनर बना बैठा है और ये लेडी ली सुक की वाइफ है। इनफैक्ट ली सुक का एक डेंजरस एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वाइफ ने उसे कैप्सूल में डलवा दिया था ताकि फ्यूचर में उसका इलाज हो सके, पर ली हुंग ऐसा नहीं चाहता क्योंकि अगर ली सुक वापस आ गया तो उससे कंपनी छिन जाएगी। इधर ये दोनों उस लेडी का वेट कर रहे थे पर वो नहीं आती। सियोन जीहुन के फोन पे गोमिरन की फोटो देख हैरान थी। डोंगचन नाहंग को कहता है, सॉरी कि इन 20 सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, हमने अपनी टाइमिंग खो दी, अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल पहले की तरह नहीं धड़कता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नाहंग कहती है, क्योंकि तुम्हारा दिल अब किसी और के लिए धड़कता है ना, और बहुत रोती है। नामते को देख ब्योंगशिम कहता है, तुम इतने बड़े हो गए, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्ही ने तो मेरी फर्स्ट किस बर्बाद कर दी थी। वैसे ये कौन है? और वो हेलो करते हैं। जीहुन को जॉब मिल गई थी इसलिए वो खुश था और वो मॉम को बताता है। सियोन पूछती है, तुम गोमिरन को कैसे जानते हो? जीहुन कहता है, वो मेरी फ्रेंड है, पर आपको कैसे पता? गोमिरन ने वहाँ डायरी रखी थी और लिखा था, तुम्हें जो भी कहना हो इस पर लिख देना। तो वो लिखकर चला जाता है। उसने उसे एडिटिंग रूम में बुलाया था और उसे गोगो 99 प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट करता है। गोमिरन उससे पूछती है, तुम डायरेक्टर क्यों बनना चाहते थे? डोंगचन कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब लोग मेरा शो देखकर हंसेंगे तो शायद वो कुछ टाइम के लिए अपना दुख भूल जाएंगे। पैसों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से ज्यादा मुझे दूसरों की खुशी में ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए तुम इस प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट देना। गोमिरन उसके इन शब्दों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। डोंगशिक डोंगचन को कॉल कर बताता है कि डोंगजू कल से घर नहीं आई, इसलिए वो परेशान था
और ह्योंगी से कहता है, मुझे पता है वो मेरी सिस्टर है, पर उस पर गुस्सा नहीं हो पाता क्योंकि देखने में वो मुझसे बड़ी लगती है। ह्योंगी कहता है, तुम उस पर भी वैसे गुस्सा करो जैसे मुझ पर करते हो। गोमिरेन ने बीच में बुक्स की दीवार खड़ी कर दी थी, तो वो कहता है, ये क्या है। गोमिरेन कहती है, मैं काम करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। डोंगचिन कहता है, ऐसे तो ये बुक्स मेरी नजरों को ब्लॉक कर रही हैं। गोमिरेन कहती है, लड़ो मत। डोंगचिन कहता है, ठीक है, और बुक्स हटाकर कहता है, लड़ाई खत्म, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। प्रोफेसर की जुल्फे कट गई थी तो उन्हें देख ये दोनों क्लैप करते हैं। डोंगचिन गोमिरेन को घर छोड़ने जा रहा था तो वो उसे देखने लगती है। तभी उसे जीहुन का फोन आता है जो जॉब मिलने की खुशखबरी देता है और कहता है, आई मिस यू। वो कुछ नहीं बोलती पर फिर कहती है, हाँ आई मिस यू टू। बस इतना सुनते ही डोंगचिन पूछता है, कौन था वो, क्या वो लड़का था। गोमिरेन कहती है, हाँ। तो वो पूछता है, वो तुमसे छोटा भी होगा। गोमिरेन कहती है, हाँ। वो पूछता है, क्या वो हैंडसम है। गोमिरेन कहती है, बिल्कुल। तो वो कहता है, बिल्कुल, कोई हैंडसम लड़का तुम्हें ऐसे कैसे फोन कर सकता है, ऐसा भी नहीं है कि तुम उसे लाइक करती हो। गोमिरेन कहती है, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे लाइक नहीं करती, बताओ मुझे। डोंगचिन कहता है, क्योंकि तुम किसी और को लाइक करती हो, तुम एक दिल से दो लोगों को कैसे लाइक कर सकती हो। गोमिरेन पूछती है, तुम किसके बारे में कह रहे हो जिसे मैं लाइक करती हूँ। वो कार रोक देता है और कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, तुम ओवर एक्ट क्यों कर रही हो। उन दोनों को साथ में ब्योंगशिम देख लेता है और अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहता है, डोंगचिन मेरी बंदी से दूर रहना। पर गलती से प्रोफेसर की टकली पर लग जाता है, तो वो कहता है, ड्रामास में तो ऐसे ही होता है, क्या प्रोफेसर आपकी याददाश्त वापस आई। डोंगचिन ने दो बार डाइवोर्स कर लिया था और अब फिर तीसरी बार किसी शराबी को डेट कर रही थी, इसलिए डोंगचिन को उसकी टेंशन हो रही थी। जब गोमिरेन को पता चलता है कि ब्योंगशिम उनके घर के रूफटॉप पर रह रहा है तो वो ये बात सियोन को बता देती है। फिर सियोन आती है और उनसे फ्राई पैन उधार ले लेती है और फिर ब्योंगशिम के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। ब्योंगशिम की वीडियो देख एम्प्लॉयज कहते हैं, क्या डोंगचिन ने उसकी वाइफ को डेट किया था जो उसने ऐसे कहा। डोंगचिन भी उसकी ये वीडियो देख लेता है और उसके पास आता है। डोंगचिन तो पूरे फाइट के मूड में था, पर डोंगचिन कहता है, क्या तुम्हें टीवी शो पर आना है, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। डोंगचिन और गोमिरेन को इतना करीब देख नायंग रोने लगती है। इधर हर जगह न्यूज वायरल हो जाती है कि गोमिरेन भी फ्रोजन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। कंपनी ने उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे जॉब दी और उसने भी इसका पूरा फायदा उठाया। सब गोमिरेन को देख रहे थे इसलिए वो उठकर चली जाती है। तो डोंगचिन भागकर उसके पास आ जाता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो। गोमिरेन कहती है, क्योंकि ये हंसने वाली बात नहीं है। डोंगचिन कहता है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और उसे गले से लगाकर कहता है, आई एम सॉरी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो हम इसका मिलकर सामना करेंगे। वो भी हाँ करती है और दोनों स्माइल करते हैं। सब गोमिरेन के बारे में बातें बना रहे थे तो डोंगचिन कहता है, गोमिरेन ने 20 साल पहले हमारे हर वैरायटी शो में पार्टिसिपेट किया जो किसी में भी करने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि फ्रोजन एक्सपेरिमेंट जैसे डेंजरस शो में भी। उसमें एक रेयर टैलेंट है। गोमिरेन भी उसकी बातें सुन रही थी। इधर प्रोफेसर यादें वापस लाने के लिए फिर से लैब में वापस आ गए थे। गोमिरेन पोस्ट अपलोड करती है, मैं फ्रोजन ह्यूमन हूँ, जब मैं 20 साल के बाद उठी तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए मैं कंपनी में इंटर्नशिप करने लगी। माना कि मैंने 20 सालों का कंपनसेशन लिया, पर मेरे लिए ये चांस है, इसलिए मैं सिर्फ अभी ऑर्डिनरी इंटर्न हूँ, पर मैं अपनी पूरी मेहनत से ही यहाँ जॉब लूंगी, इसलिए मुझे एक चांस दो ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। उसकी पोस्ट को सब लाइक कर देते हैं। पाक कहती है, हमारी गोमिरेन प्रॉब्लम सॉल्व करने में नंबर वन है। सियोन कहती है, गोमिरेन इतनी भी प्रिटी नहीं, सबके सब उसी के पीछे हैं। जीहुन भी उसे लाइक करता है। पाक कहती है, क्या बाप और बेटे दोनों को एक ही लड़की पसंद आई, वैसे क्या गोमिरेन की न्यूज तुमने अपलोड की थी। सियोन कहती है, मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। ब्योंगशिम गोमिरेन के मॉम डैड को कहता है, गोमिरेन मेरा फर्स्ट लव है, मैं उसके लिए डाइवोर्स कर लूंगा। तो मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे लात मारती है। ली सियोक की वाइफ की अचानक से डेथ हो गई थी तो डोंगचिन नायंग को कहता है, तुम्हारे पास जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उसे ब्रॉडकास्ट कर दो। प्रोफेसर को सब कुछ याद आ जाता है। गोमिरेन के आते ही सब उसके लिए क्लैप करते हैं तो वो खुश हो जाती है। डोंगचिन ने उसके लिए डायरी में लिखा था, गुड जॉब। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में ब्योंगशिम का नाम देख वो हैरान थी। जब डोंगचिन गोमिरेन को जीहुन से बातें करता देखता है तो कहता है, ये कौन नमूना है, वो उसके सामने ऐसे हंस क्यों रही है। जब गोमिरेन को पता चलता है कि जीहुन सियोन और ब्योंगशिम का बेटा है तो उसकी हैरानी की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। फिर काम करते हुए गोमिरेन को अचानक चक्कर आने लगते हैं। नाहयंग न्यूज में
लीसी की वाइफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देती है। डोंगचेन गोमिनेन को कॉल करता है पर वो नहीं उठाती और डायरी से उसे पता चलता है कि उसे फ्लू है। तो वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें बीमार होने की इजाजत नहीं है। गोमिरन कहती है हमें 50 मीटर दूर रहना चाहिए, हम बहुत करीब हैं। डोंगचेन कहता है मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, चलो अब वो करते हैं। गोमिरन कहती है क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकती हूँ। डोंगचेन कहता है अगर मैं मना करूंगा तो क्या तुम रुक जाओगी। उस टाइम उसका उसे किस करने का मन था पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो नहीं करता। कोई प्रोफेसर को किडनैप कर लेता है। प्रोफेसर की आंखों पर पट्टी बांध कहीं लाया जाता है। ली हुंग उसे कहता है तुम्हें सारे कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करना होगा और उन लोगों को मारना होगा, चाहे वो डोंगचेन और गोमिरन ही क्यों ना हो, वरना तुम मरोगे। और फिर प्रोफेसर को वापस छोड़ दिया जाता है। सियोन जीहुन को बताती है कि गोमिरन तुम्हारे डैड का फर्स्ट लव है, वो उसी की वजह से मुझसे डाइवोर्स ले रहा है। तो जीहुन बैठा रो रहा था। गोमिरन की सीट बेल्ट खुल नहीं रही थी तो डोंगचेन खोलता है पर वो तो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। डोंगचेन कहता है तुम दिन में मुझे ऐसे देखोगी तो चल जाएगा पर मुझे रात में ऐसे मत देखो, तुम प्रिटी लग रही हो इसलिए हंसो मत। पर फिर दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे लोकेशन पर जाने के लिए जब गोमिरन आती है तो वो उसे देख स्माइल करती है। गोमिरन को ऑफर आया था लव के बारे में लिखने का, इसलिए वो खुश थी। डोंगचेन कहता है तुम्हें लव के बारे में कैसे पता होगा, तुमने तो अभी तक किस भी नहीं किया। गोमिरन कहती है मैं तो उसे किस में काउंट करूंगी। डोंगचेन कहता है मैं नहीं। फिर वहाँ जाकर डोंगचेन उसका रूम नॉक कर कहता है तुम शॉवर लेने जा रही होगी है ना, मेरा मतलब था। गोमिरन कहती है हाँ मैं सोने से पहले शॉवर लूंगी। डोंगचेन कहता है हाँ लोग अक्सर सोने से पहले शॉवर लेते हैं, यहाँ मुझे ऐसे मत देखो दिन में भी नहीं। नेक्स्ट सीन में उसे आते देख डोंगचेन स्माइल करता है। फिर वो वहाँ की फोटोज लेती है और साथ में डोंगचेन की भी। प्रोफेसर की याददाश्त वापस आने की खबर सुनकर डोंगचेन गोमिरन को कहता है तुम अंदर रहना, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं गेट मत खोलना, और खुद प्रोफेसर के पास जाने लगता है। इधर प्रोफेसर सारे कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे थे तभी डोंगचेन आकर उन्हें रोक देता है। प्रोफेसर कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट फेलियर निकला, तुम दोनों भी मर जाओगे, सब खत्म हो गया है। डोंगचेन कहता है प्लीज आप हम दोनों को बचा लीजिए ताकि हम नॉर्मल लाइफ जी सके, हम भी एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं, एक साथ सोना चाहते हैं, हम तो सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहते हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। इधर गोमिरन डोंगचेन का वेट कर रही थी तभी बेल बजती है। वो आवाज लगा पूछती है पर कोई नहीं बोलता तो वो गेट खोल देती है। डोंगचेन कहता है मैंने तुम्हें गेट खोलने को मना किया था, और उसे किस करने लगता है। पर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वो दोनों शावर लेते हुए किस करने लगते हैं। और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है।